वंदन समिति की महिला शाखा राष्ट्रीय वंदन मात्र परिषद के तत्वावधान में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की पूर्व संध्या पर दाऊदपुर स्थित नशा मुक्ति केंद्र पर विवेकानंद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया तथा नशा उन्मूलन के क्षेत्र में कार्य कर रही पूनम सिंह को गोरखपुर ज्योति सम्मान एवं कर्म योद्धा युवाओं को स्वामी विवेकानंद युवा कर्म योगी सम्मान से सम्मानित किया गया तथा कम्बल वितरण किया गया, जिसके संबंध में राष्ट्रीय वंदन समिति के महामंत्री दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा कि आज का युवा नशे जैसी भयानक महामारी के प्रभाव में आकर अपना और अपने परिवार एवं देश समाज सभी का नुकसान कर रहा है। युवाओं को ऐसे बुरे व्यसनों से बाहर निकलकर आगे आने की आवश्यकता है, जिसमें ऐसी संस्थाएं उनकी मदद करती हैं और उनको पुनर्स्थापित करने में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि अगर युवा भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्म और विवेकानंद जी जैसे महापुरुषों को अपना आदर्श बनाकर चले तो वह निश्चित तौर से पूरे समाज व देश के लिए हितकारी होगा। आज का युवा ही स्वामी विवेकानंद जी के सपनों का भारत बना सकता है। इस अवसर पर राष्ट्रीय वंदन समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजय खेमका, राजस्थान युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पांडे, राष्ट्र निर्माण शक्ति परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष माया गुप्ता, प्रभारी रागनी श्रीवास्तव, महामंत्री रीता शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा परिषद अमित पांडे, मनोज गौर, उपासना श्रीवास्तव, सुनीता शर्मा, मुकेश दुआ, दीपक मौर्य, प्रवीण श्रीवास्तव, अनुराग खेमका, राहुल गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नशा मुक्ति केंद्र की डायरेक्टर पूनम सिंह एवं राष्ट्रीय वंदन समिति के महामंत्री दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज इस कार्यक्रम का विषय है कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत जिन्होंने भारत के सनातन धर्म, भारत की सनातन संस्कृति और भारत की जो आध्यात्म ऊर्जा है उसको पूरे विश्व में फैलाने का कार्य किया, उनका कल जन्म दिवस है और उसी जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र वंदन समिति के मात्र शक्ति परिषद द्वारा आज हम सब आपके मध्य उपस्थित हैं। आज के इस कार्यक्रम में जिन माननीय अतिथियों का हम सब के भाई, अभी तो उन्होंने मेरे पर बहुत बड़े कुछ ऐसे एहसान किए, मैं जिंदगी भर उनको नहीं भूल सकता, ऐसे ही दुर्गेश सिंह चंचल जी। साथ ही मैं इस राष्ट्रमंडल समिति की प्रदेश का महामंत्री के नाते मेरे पास दायित्व है, मैं इसका निर्वहन करता हूँ। इधर अनुभूति और जो विश्वास के साथ वो बातों को रख रहे थे, शायद मेरे शब्द तो कम पड़ जाएंगे, मेरी बातें उस तरह से नहीं निकल पाएंगी। ऐसे पूनम जी ने इतना बड़ा ये सेटअप कैसे खड़ा किया और किस तरह से सारी चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, जो चीज प्राप्त की अगर उसका थोड़ा सा मात्र हम सब अपने अंदर डालते हैं, अपने अंदर देते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हम सब भारत को जो हमारा एक सोच है एक ऐसा राष्ट्र बनाना जहाँ पे प्रदेश प्रभारी रागिनी दीदी से अनुरोध करूंगा कि अपने अवार्डी का माला पहना के सम्मान करें। पूनम सिंह, यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र में, शुद्धिकरण नशा मुक्ति केंद्र में स्वामी विवेकानंद के जन्म के पूर्व संध्या पर यहाँ जो नशे से पीड़ित लोग हैं इनको कंबल वितरण के प्रोग्राम यहाँ पर किया जा रहा है। हमारा शुद्धिकरण नशा मुक्ति केंद्र समाज में जो लोग नशे से ग्रसित होकर अपने रास्ते से भटक गए हैं उनको सही दिशा में लाने का काम किया जाता है। जो व्यक्ति नशा करता है उनको हम अपने सेंटर में एडमिट करके उनको योगा, मेडिटेशन और काउंसलिंग के माध्यम से उनके अंदर एक पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थिंकिंग लाते हैं और उनको नशे से दूर होकर समाज में जाकर एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं।
सबसे पहले तो हम व्यक्ति को सेंटर में बंद करते हैं। यहाँ आकर जब वो बंद होते हैं तो उनका नशा जो भी वो नशा कर रहे होते हैं उसको संपूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता है, मतलब उनको कुछ भी नहीं मिलता है। शुरुआत में उनको थोड़ी समस्याएं आती हैं, उनको नींद नहीं आती है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, तो उस सिचुएशन में हम उनको मेडिसिन के द्वारा उनके सिम्टम को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे मेडिसिन की डिपेंडेंसी कम करते हुए उनको हम सामान्य जीवन में लाते हैं। जब वो 10 से 15 दिनों में सामान्य होने लगते हैं तब उनको सवेरे उठ के योगा करना होता है, मेडिटेशन होती है, काउंसलिंग होती है, उनकी पर्सनल काउंसलिंग होती है, उनसे बातचीत करके उनको समझा जाता है कि उन्हें क्या दिक्कत थी, किस तरह की समस्या उनके साथ हो रही है, उसका समाधान किया जाता है। और 6 महीने का एक समय होता है, उस 6 महीने के ड्यूरेशन में उनको जब वो नशा नहीं मिलता है तो उसकी क्रेविंग ख़त्म होती है, उसकी जो आदत होती है करने की वो धीरे धीरे कम होती है, और उसके बाद फिर वो मेंटली और फिजिकली रूप से तैयार होते हैं बाहर जाकर अच्छे से नशा मुक्त जीवन जीने के लिए। नशा करने वाले व्यक्ति जो भी हमारे सेंटर नशा मुक्ति केंद्र के बोर्ड और ये टैबलेट्स वगैरह सब जगह लगे हुए हैं, लोग उसको पढ़ के हमसे संपर्क करते हैं। और सबसे ज़्यादा लोग जो हमारे संपर्क में आते हैं, जो व्यक्ति हमारे यहाँ से ठीक होके गया होता है, उससे वो पूरा उस एरिया के सारे लोग जानते हैं कि ये व्यक्ति बहुत नशा करता था, सुधर गया, तो उसको देख के उसको जान के लोग हमसे संपर्क करते हैं, फिर अपने व्यक्ति को अपने बच्चे को हमारे पास ले आते हैं। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के पूर्व संध्या पर उन भटकी युवाओं को एक रास्ता दिखाने के लिए, एक उनका मार्ग और उनको ये बताने के लिए कि समाज उनके साथ है, वो हतोत्साहित ना हो और इस महामारी जो ये युवाओं के बीच में नशा के रूप में आ गई है, इससे बाहर निकलें और देश समाज का काम करें, इसी प्रेरणा को लेकर के आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। और यहाँ के डायरेक्टर को आज हम लोगों ने युवा सम्मान से सम्मानित किया है और साथ में इन युवाओं को एक संदेश देने का प्रयास किया है कि अब समाज में उनके दायित्वों का निर्वहन करने के लिए उनको स्वयं आगे आने की आवश्यकता है। और ये जो उनके दिमाग में व्यसन और ये सब चीज़ें आ गई हैं, इसको दूर करके राष्ट्र हित और देश हित में वो काम करें, इसी मन से वो यहाँ से आगे बढ़ कर के बाहर निकलें। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के व्यसन या नशा में है, उसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वो एक अपना जीवन नहीं बर्बाद कर रहे हैं, उनके साथ उनका पूरा परिवार, समाज, यहां तक कि उनके आने वाली पीढ़ी भी खराब हो रही है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि सब कुछ करो भैया, नशा मत करो। नशा का कोई भी शुरुआत एक कदम से होती है और वो समाप्ति उस पूरे घर की बर्बादी से होता है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के दूर रहें और देश समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करें।